खाना बनाना हर किसी को पसंद होता है, पर हम छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से हमारा खाना अच्छा नहीं बन पाता है कभी कभी। तो आज मैं आप सभी लोगों के साथ कुछ छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से देखते हैं इन टिप्स को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल फॉर यू क्रिएशंस। टिप नंबर 1, पकोड़े के लिए बैटर तैयार करते समय उसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिला दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके पकोड़े बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे। टिप नंबर 2, ब्रेड अगर बच जाती है या बासी हो जाती है तो उसको फेंकिए मत, उसका ब्रेड क्रम बना करके एयरटाइट कंटेनर बॉक्स में फ्रिज में स्टोर करके रख दीजिए, और जब कभी भी आप पकोड़े बनाएं तो उसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम को यूज़ कीजिए। आप देखेंगे कि जो पकोड़ों का तेल है वो पकोड़े ज़्यादा नहीं सोखेंगे और पकोड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। टिप नंबर 3, अगर सब्जी बनाते समय सब्जी में ऑयल या घी ज़्यादा हो जाता है तो सब्जी को थोड़ी देर के लिए फ्रिज या फ्रीज़र में रख दीजिए, जो उसका तेल है वो सारा ऊपर आ जाएगा, फिर उसको आप आसानी से हटा सकेंगे और फिर उसके बाद सब्जी को दोबारा से गर्म करके सर्व कीजिए। इससे सब्जी का टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। टिप नंबर 4, पूरी बनाते समय पूरी को बेल करके 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए, और उसके बाद जब आप पूरी को फ्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरी ज़्यादा तेल ऑब्जर्व नहीं करेगी और वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिप नंबर 5, केले जब कभी भी आप मार्केट से लाएं तो उन्हें टांग करके कहीं पे भी रख दीजिए, आप देखेंगे कि केले काले नहीं पड़ेंगे और वो बिल्कुल ही फ्रेश रहेंगे एक हफ्ते तक। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन की अपडेट सबसे पहले मिल सके। और ऐसी ही और यूनिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।